सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम जब भी हम कभी टोस्ट और चाय खाते हैं, जब हम टोस्ट को अपने दांतों से चबाते हैं तो हमें बहुत ही तेज कुरकुराहट की आवाज सुनाई देती है। आपको ऐसा लगता होगा कि जो कुरकुराहट की आवाज आपको सुनाई दे रही है वो वहाँ पे बैठे सभी लोगों को सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये आपकी एक गलत फहमी होती है। जो कुरकुराहट की आवाज आपको सुनाई दे रही है वो वहाँ पे बैठे किसी भी इंसान को सुनाई नहीं देती है। और ऐसा सिर्फ ब्रेड या टोस्ट के साथ नहीं होता, ऐसा हर एक चीज के साथ होता है जिसके खाने से हमें कुरकुराहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कुरकुरे चिप्स या कोई क्रंची चॉकलेट। ऐसी कोई भी चीज जिसको खाने से हमें कुरकुराहट की आवाज सुनाई दे रही होती है, हमें ऐसा लगता है कि वो आवाज हमारे आसपास सभी लोगों को सुनाई दे रही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वो आवाज सिर्फ उसी को सुनाई देती है जो भी उस क्रंची चीज को खा रहा होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो आवाज आपको इतनी तेज इतनी लाउड आपके कानों में सुनाई दे रही है वो वहीं पास में बैठे दूसरे लोगों को सुनाई नहीं दे रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जब भी हम कभी टोस्ट या ब्रेड खाते हैं तो उसकी आवाज सिर्फ हमें ही क्यों सुनाई देती है, और उसकी आवाज दूसरे लोगों को सुनाई क्यों नहीं देती है जबकि वो आवाज इतनी तेज और इतनी लाउड होती है। तो अब शुरू करते हैं। साउंड किसी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड के ट्रेवल करने के लिए दो मीडियम होते हैं, पहला तो रेयरर, दूसरा तो डेंसर। तो जैसे कि हम किसी से बात करते हैं रोजमर्रा की बात, तो वो जो साउंड का ट्रेवल होता है हमारे मुंह से लेके उसके कान तक, वो एयर के थ्रू मतलब कि हवा के थ्रू होता है। तो हवा जो होती है वो हवा साउंड का एक रेयर मीडियम होती है। और वैसे ही जब भी कभी हम टेबल पे अपना कान रख के टेबल पे धीरे धीरे अपना हाथ मारते हैं तो फिर भी वो आवाज हमें बहुत ही तेज सुनाई देती है। वो इसलिए क्योंकि जो टेबल कुर्सी कोई भी सॉलिड चीज होती है वो साउंड का एक डेंस मीडियम होती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे दांत के साथ होता है, जैसा हमारे साथ टेबल के साथ हुआ है। टेबल में हम कान रखते हैं, नीचे से धीरे धीरे अपना हाथ मारते हैं तो वो आवाज हमें बहुत तेज सुनाई देती है। वैसे ही जब भी हम कभी ब्रेड या टोस्ट खाते हैं तो उससे जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो हमारे दांतों से लेके हमारे सर की हड्डियों से ट्रेवल करके हमारे कान तक पहुंचती है। हमारा सर तो एक सॉलिड मतलब कि वो एक डेंस मीडियम है, तो इसीलिए ब्रेड या टोस्ट की आवाज हमें ही सुनाई देती है, दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देती। और हमें तेज इसीलिए सुनाई देती है कि वो एक डेंस मीडियम से हमारे कानों तक आ रही है, जैसे कि हमारे साथ उस टेबल के साथ हुआ था।